हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर चैप्टर्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, फूड। चैप्टर 4 तक के मैंने कुछ टेस्ट भी लिए हुए हैं, होप आप लोगों ने वो टेस्ट दिया हो। तो आप सब पेज नंबर 27 निकालो, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है फूड। वी ईट फूड वेन वी फील हंग्री। हम सब खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है। वी नीड फूड स्टे अलाइव। हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। इट हेल्प्स आर बॉडी ग्रो। हमारे बॉडी को ग्रो करने में फूड हेल्प करता है। इट गिव्स अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम टू डू वर्क, प्ले, थिंक, स्टडी एंड डू मच मोर, ताकि हम किसी भी काम को कर सकें, खेल सके, सोच सके, पढ़ाई कर सके और भी बहुत चीजें कर सके। गुड फूड मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग। अच्छे भोजन जो होते हैं वो हमारे बॉडी को स्वस्थ भी रखते हैं और मजबूत भी रखते हैं। तो देखिए, ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं, ये है आपके जो एनर्जी मिलने के बाद हम काम करते हैं वो है वर्क, प्ले, थिंक। ठीक है, चलिए। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, है ना? आप खाते हो राइस, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, पल्सेस मीन्स दाल। खाते हो ना आप ये सारी चीजें? आगे क्या है देखिए, मील्स इन अ डे। क्या है? मील्स इन अ डे। एक दिन में कितने सारे मील्स होते हैं? तो सबसे पहले वी यूजुअली ईट 3 मील्स इन अ डे। हम एक दिन में कितने टाइम्स खाते हैं? 3 टाइम्स खाते होगे आप भी। सबसे पहले क्या करते हो? सोकर उठ के ब्रश करके ब्रेकफास्ट करते हो ना। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारे दिन का पहला मील होता है। इट हेल्प्स अस स्टार्ट द डे विथ लॉट्स एनर्जी। ये हमारे दिन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है बहुत सारे एनर्जी देकर। फिर हम क्या करते हैं? दोपहर में क्या खाते हैं? लंच खाते हैं ना। लंच इन द आफ्टरनून इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। लंच जो कि हम दोपहर में करते हैं वो हमारे दिन का दूसरा मील होता है। वी मे ऑल्सो हैव सम सूप और लाइट स्नैक्स इन द इवनिंग। जो हम शाम में चाय नाश्ता करते हैं ना, उसे हम स्नैक्स कहते हैं। ठीक है, शाम के समय का। चलिए आगे क्या है? डिनर एट नाइट इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो हम रात में खाना खाते हैं वो हमारे लिए दिन का लास्ट मील होता है। इट शुड बी नॉट बी हेवी। तो हम रात में खाना तो खाते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं खा लेना चाहिए। ठीक है, वी शुड ईट आवर फूड ऑन टाइम। हमें अपने भोजन को समय समय से करना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट तो एकदम नेसेसरी है, फिर लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे। ओके, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारे शरीर को सही मात्रा में पानी की भी जरूरत होती है, इसलिए वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। इस वजह से हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी तो एक दिन में पी ही लेना चाहिए। आप पीते हो ना? नहीं पीते हो तो जरूर पीना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। ट्राई इट योरसेल्फ में क्या दिया गया? व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरी डे? ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम इन द क्लॉक्स। अब घड़ी देखे हो घर पर, आप सुबह में कितने बजे नाश्ता करते हो आपको यहाँ पर बनाना है। अगर 8 बजे करते हो तो आवर हैंड को 8 पर रखेंगे और मिनट हैंड को 12 पर रखेंगे। अब जितने बजे करते हो उतने का इसमें हैंड देना है आपको। लंच कितने बजे करते हो और डिनर कितने बजे करते हो? ठीक है, तो ये आप इसे होमवर्क कर लेना। ओके, चलिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मील्स इन अ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।